हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एस एन फूड। तो गाइस, आज हम आपके लिए एक डेजर्ट की रेसिपी लेके आए हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं मैंगो रसमलाई। ये रसमलाई गाइस बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसे आपने रसमलाई तो काफ़ी खाई होगी, बट ये मैंगो से रसमलाई बहुत ही अच्छी बनती है और इसको बनाने में भी ज़्यादा समय नहीं लगता है। और गाइस, इसे आप चाहें तो अभी फेस्टिवल्स आ रहे हैं, रक्षाबंधन आ रहा है, उसमें आप इसे बना सकते हैं, बहुत ही ईजीली बना लेंगे। तो गाइस, उसके लिए यहाँ पर हमने 10 ब्रेड ले लिया है, क्योंकि दो को चिपकाएंगे ऐसे डबल करके। तो ये हम ब्रेड से बनाएंगे रसमलाई। इसको हमने कट कर लिया, आपके पास कटर हो तो कटर से, नहीं तो ऐसे कोई ग्लास हो तो उसको ऐसे करके आप कट कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ सारे ब्रेड को काट लिया है और उसका ब्राउन पार्ट नहीं लिया है, ब्राउन वाला पार्ट कट कर लिया था, तो सिर्फ ये वाइट वाला पार्ट लिया है। अब गाइस, ब्रेड के अंदर हमें लगाने के लिए क्रीम रेडी कर लेते हैं, नहीं तो ऐसे ब्रेड प्लेन ही लगेगा, सिंपल रहेगा। तो उसके लिए गाइस, यहाँ पे मैंने ये मिल्क पाउडर लिया है, ये आधी कटोरी मिल्क पाउडर है, तो वो ले लेंगे। अब गाइस, इसे मिक्स करने के लिए हमें दूध चाहिए, ये ठंडा दूध लिया है मैंने। मिल्क ले लेंगे, मिल्क इतना डालना है कि अच्छा सा इसका पेस्ट बन जाए क्रीम लाइक। इसको लिक्विड पूरा नहीं करेंगे हम, थोड़ा थोड़ा डालेंगे, मिक्स करते जाएंगे। अच्छे से ब्लेंडर की हेल्प से मिक्स करेंगे तो लम्स नहीं रहेंगे इसमें। ये देखिए गाइस, इसे मिक्स कर लिया है। अभी और अच्छे से हम मिक्स करेंगे, बाकी के इंग्रेडिएंट पहले डाल लेते हैं इसमें। तो गाइस, यहाँ पे मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ, ये पिसी हुई चीनी है, नॉर्मल खड़ी चीनी मत डाल दीजिएगा, नहीं तो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा। तो पाउडर्ड शुगर डाल लेंगे यहाँ, मैं यहाँ 2 चम्मच डाल रही हूँ, आप जैसा भी मीठा खाते हो वैसा डाल लें। इसको भी मिक्स कर लेंगे। अभी हमें इसमें एक और इंग्रेडिएंट डालना है। अब गाइस, इसमें थर्ड इंग्रेडिएंट डालते हैं और ये मेन है, ये मैंगो पल्प है, 1 कप मैंगो पल्प डाल लेंगे। मैंगो को अच्छे से मैंने पीस लिया था, मिक्स करेंगे अब अच्छे से। ये देखिए गाइस, हमारा रेडी हो गया है क्रीम, ऐसे होना चाहिए आपका भी स्मूथ। गाइस, अगर आपका लिक्विडी हो जाए ये, तो आप इसमें मिल्क पाउडर और ऊपर से डाल सकते हैं, तो ये बिल्कुल ऐसे थिक हो जाएगा। अब हम इसे ब्रेड में लगाएंगे। अब गाइस, ये ब्रेड ले लिया है, अब हम इसमें, इसे आप रबड़ी बोल सकते हैं या फिर क्रीम, जो भी बोलना चाहें, ये इंस्टेंट रबड़ी भी हो सकती है। इसे हम ये ब्रेड के स्लाइसेस में लगाएंगे, इनफ क्वांटिटी में लेंगे, जितने में ये अच्छे से लग जाए। ये देखिए गाइस, सारे ब्रेड में मैंने अच्छे से लगा लिया है। अब हम इसमें ये कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स हैं, काजू और बादाम मैंने लिया है, आप पिस्ता भी ले सकते हैं, ये बीच में थोड़े से डाल लेंगे। ये देखिए गाइस, ड्राई फ्रूट्स डाल लिए हैं, अब इसके ऊपर ये ब्रेड का स्लाइस रख देंगे, हल्का सा प्रेस करेंगे। अब गाइस, हम लिए मिल्क रेडी करेंगे, तो उसके लिए कढ़ाई को गैस पे रख दिया है, अब हम इसमें मिल्क डालेंगे। अब गाइस, इसमें 1 कटोरी मिल्क डाल लेंगे। आप जितने भी ब्रेड का बना रहे हो उस हिसाब से मिल्क ले। अब गाइस, दूध को बॉईल होने देंगे, मिल्क अच्छे से बॉईल हो जाएगा, एक बॉईल आ जाएगा, उसके बाद हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट डालेंगे। गाइस, जब तक हमारा मिल्क बॉईल हो रहा है, तब तक मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डाल लिया था, उसमें थोड़ा सा मिल्क डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। ये हम मिल्क जब बॉईल हो जाएगा तब डालेंगे। ये देखिए गाइस, मिल्क में बॉईल आ चुका है, अब हम इसमें शुगर डालेंगे। तो ये 6 चम्मच मैंने चीनी लिया है, आप मीठा अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितना भी आप खाते हो कम ज़्यादा। साथ ही में गाइस, हम ये कस्टर्ड पाउडर भी डाल लेंगे जो घोल बनाया था, मिक्स करेंगे अच्छे से, इसे चलाएंगे। ये आप देख सकते हैं थिक हो गया है।
गाइस आपका मिल्क एकदम थिक हो गया हो तो आप चाहें तो इसमें ऊपर से और मिल्क डाल सकते हैं, ज़्यादा पतला करने की ज़रूरत नहीं है। गाइस एक मिनट के लिए रहने देंगे, फिर हम गैस को बंद करेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। ये देखिए गाइस, अब गैस को बंद कर लिया है और अब हम इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम बाकी की चीज़ें डालेंगे। अब गाइस ये मिक्सचर हमारा ठंडा हो चुका है, अब हम इसमें ये गाइस मैंने सैफरन को यानी कि केसर के कुछ धागों को डाल दिया था मिल्क में, अब ये मिल्क हम डाल लेंगे इसमें। साथ ही में मैंगो पल्प, ये मैंने मैंगो को पीस के रख लिया था, आधा कटोरी लिया है, ये भी डाल लेंगे। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए गाइस अच्छे से मिक्स हो चुका है। अगर आप को ऐसे मिक्स करने में प्रॉब्लम हो रहा हो तो ये हैंड ब्लेंडर से ऐसे इजीली मिक्स हो जाएगा। ऐसा आपको स्मूथ कर लेना है बेसिकली, तो आप इससे करेंगे ना तो इजीली हो जाएगा। अब गाइस जो हमने मिल्क रेडी किया था वो डाल लेंगे इसके ऊपर। अच्छे से डालेंगे सब तरफ। ये देखिए गाइस मैंने अच्छे से मिल्क डाल लिया है, ये आप अच्छे से डालें ताकि ये अंदर तक अब्सॉर्ब हो जाए ब्रेड में, तो ऊपर तक आप डालें कि ताकि बीच में भी जाए। अब हम इसके ऊपर से कुछ फिर से ड्राई फ्रूट्स डाल लेंगे, आप अपने पसंद का कोई सा भी, जैसा कि मैंने आपको बताया पिस्ता भी डाल सकते हैं। ये देखिए गाइस रसमलाई हमारी रेडी हो गई, ऊपर से मैंने मैंगो के पीसेस डाल दिए हैं और ये एकदम फटाफट बन जाता है गाइस, इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इसको गाइस आप फ्रिज में चिल्ड कर दें और ठंडा ठंडा सर्व करें और ये गाइस बहुत ही डिलीशियस लगता है, बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो आप इसे गेस्ट को भी सर्व कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो इसको आप उसमें भी बना सकते हैं और इसे सर्व करेंगे, सब खुश हो जाएंगे। तो ये रेसिपी एक बार ट्राई जरूर करिएगा, कैसी लगी रेसिपी कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फैमिली एंड फ्रेंड में शेयर करिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।